इसकी जो प्लेट्स है वो इक्वली नज़र आ रहे हैं, और इस तरीके से उठाकर इसको थोड़ा थोड़ा हम पीछे की साइड पर ले जाएंगे और फिर से प्लेट्स बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने डबल पेटीकोट का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो उस तरीके से भी इसे कैरी कर सकते हैं, या कुछ लहंगा वगैरह आपका स्कर्ट वगैरह है तो उस स्कर्ट पर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन इससे ही इसका लुक बहुत ही अच्छा आया, फुला फुला आया, सो इसी पर मैं कैरी करना चाहूँगी, तो इसी पर मैंने कैरी किया तो बहुत ही अच्छा लुक इस पर आया है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमने स्टार्ट किया था वो पोर्शन यहाँ तक आ चुका है। तो इस तरीके से हम सारे प्लेट्स को बना लेंगे, और जहाँ पर साड़ी का एंड वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो दोनों को मिलाकर वहाँ पर सेफ्टी पिन से हम सिक्योर कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना अच्छा यहाँ पर लुक लग रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर तो ये लुक आपके लिए बहुत ही प्यारा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग पल्लू भी आपको दिखाना चाहूँगी। इस तरीके से पल्लू हम जिस तरीके से ड्रैप किया था उसका एंड वाला पोर्शन लेके एक कॉर्नर लेंगे, और उस कॉर्नर को हम ऊपर की तरफ लेके जाते हुए सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। सो ये पल्लू भी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा लुक ये भी देता है। और पीछे से आप देख सकते हैं, तो ये आप पल्लू घूंघट वगैरह लेना चाहते हैं तो इस तरीके से ले भी सकते हैं। सो सामने से इस तरीके से लेने के बाद पीछे से इस तरीके से आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आपका आएगा। सो घूंघट वगैरह आप लेना चाहते हैं तो ये भी इस पर ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।